कैसे भाई लोग, बाकी सब बढ़िया है ना। तो मीवी ने इंडिया में काफी दिनों के बाद अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि मीवी की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है, एक साउंड बार जिसका नाम है मीवी S60। तो आज के वीडियो में गाइस इस साउंड बार का हम लोग अनबॉक्सिंग करने जाएंगे और रिव्यू करने जाएंगे, देखेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है और इसकी प्राइसिंग आपको 3500 देखने को मिल जाती है। तो क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता भी है या नहीं करता है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं हम लोग जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। हम लोग अपने स्क्रू ड्राइवर से इसे अनबॉक्स करते हैं। चलिए तो बॉक्स कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। तो अपने स्क्रू ड्राइवर को हम लोग रखते हैं साइड में और अपने इस बॉक्स को निकालते हैं। तो बॉक्स को निकालते हैं गाइस, सबसे पहले आपको सामने कुछ इस प्रकार से बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई देखने को मिल जाती है, जैसे कि मीवी S60 और 60 वॉट स्पीकर, स्पीकर की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ही आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देखने को मिलता है मीवी की तरफ से, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी है। पीछे की साइड में आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल जाती है वारंटी के लिए। तो हम लोग इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और इसके अंदर साथ में हम लोग को बॉक्स के अंदर एक एसेसरीज बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। चलिए इस बॉक्स को हम लोग रखते हैं साइड में और अपने एसेसरीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें एसेसरीज के लिए क्या क्या देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। देखो आपको ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी लेंथ भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, नॉट दैट मच कि आपको बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर देखें तो हमें एक अडेप्टर देखने को मिल जाती है, जिससे कि हमारा साउंड बार वर्क करेगा। और अगर इसकी आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। इसके अलावा बात करें गाइस तो एसेसरीज बॉक्स के अंदर हमें AAA बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको रिमोट के लिए भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने साउंड बार को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे पैकेजिंग है, इसे हम लोग ओपन करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। ओके, कि पैकेजिंग की अगर बात करें तो लाइक वाओ, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने पैक किया है साउंड बार को। सबसे पहले हम लोग साउंड बार को उठा करके साइड में रखते हैं और इसके बाद अपने बाकी सारी चीज़ों की तरफ देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहली थिंग जो देखने को मिल जाती है गाइस, वो हमें एक अपना IR रिमोट देखने को मिल जाता है, जिससे अपने साउंड बार को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे कि रिमोट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अगर रिमोट की ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी मेरे को लगी, नॉट दैट मच, बहुत ही ज्यादा लो भी नहीं क्वालिटी बोलूंगा मैं, बट अच्छी मैट फिनिशिंग में आपको रिमोट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लुक मेरे को लगा। चलिए इसे साइड में रखते हैं। इसके अलावा अगर बॉक्स के अंदर देखा जाए तो सम पेपर वर्क, सबसे पहले पेपर वर्क देखने को मिलती है, तो हमें वेलकम कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको वारंटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए देखने को मिल जाता है कार्ड और साथ ही साथ यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। इसकी हमें जरूरत नहीं, इसे हम लोग रखते हैं साइड में। पैकेजिंग की बात करोगे तो साउंड बार की पैकेजिंग मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मीवी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पैक कर रखा है। चलिए हम लोग सबसे पहले पैकिंग को हटाते हैं और अपने साउंड बार के ऊपर बात करते हैं। भाई कुछ भी बोलो बट ये जो रैपर हटाने में जो मजा है ना, वो और किसी में। सबसे पहले गाइस हम लोग साउंड बार का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है विद ब्लैक फिनिशिंग। साथ ही साथ बॉडी की बात करें तो बॉडी बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है, बट इसके ऊपर इजिली फिंगरप्रिंट्स आ जाती है। इसके अलावा गाइस अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में यहाँ पे आपको दोनों साइड वॉल माउंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने साउंड बार को इजिली किसी भी वॉल पे माउंट कर सकते हो। अगर नीचे की साइड की बात करें गाइस, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नीचे की साइड में आपको रबराइज ग्रिप देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपका साउंड बार बहुत ही इजिली किसी भी सरफेस पे स्टेबल रहता है, जरा सा भी मूव नहीं करेगा आप कितना भी प्ले करो म्यूजिक। इसके अलावा गाइस अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाती है डुअल टोन फिनिशिंग के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो कैमरे में। इसके अलावा अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन, साथ ही साथ प्ले एंड पोज के लिए आपको मिल जाती है और आपको कनेक्टिविटी को चेंज करने के लिए ऑक्स और USB ये सब मोड्स में आपको चेंज करने के लिए देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके हम लोग बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करें तो जैसे कि सामने आप यहाँ पे ग्रिल देख रहे हो, ये आपको मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाता है मैट फिनिशिंग के साथ ब्लैक डिजाइन में। और बॉडी की बात करें गाइस तो बॉडी आपको प्लास्टिक की बनी हुई देखने को मिल जाती है। ओवरऑल सभी आपको जो साउंड बार का मटेरियल यूज हुआ है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, बट बहुत ही अच्छा कंपनी ने प्लास्टिक यूज किया है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगता है साउंड बार आपको ओवरऑल देखने में। अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें गाइस तो सबसे पहले मैं आपको साउंड टेस्ट करके सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं साउंड बार में। साथ साथ मैं आपको रिमोट और साउंड बार के कुछ फीचर्स आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन की बात करूंगा कि मुझे साउंड बार का कैसा क्वालिटी लगा साउंड का। कनेक्टिविटी के लिए साउंड बार के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्स, कोएक्सियल और साथ ही साथ USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चलिए साथ ही साथ रिमोट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रिमोट पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाती है, उसी के बगल में आपको ऑडियो प्रोफाइल को चेंज करने के लिए बटन मिल जाती है। इसके अलावा म्यूजिक को प्ले एंड पॉज करने के लिए बटन मिल जाती है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, साथ ही साथ नेक्स्ट और प्रीवियस
रिप्लेस करने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको कनेक्टिविटी को चेंज करने के लिए अलग अलग बटन देखने को मिल जाती है। और अगर फीचर्स की बात करें तो साउंड बार के अंदर कंपनी ने कुछ ऑडियो प्रोफाइल दे रखी है, जैसे कि आपको मूवी मोड, न्यूज मोड, साथ ही साथ म्यूजिक मोड देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ऑडियो प्रोफाइल के हिसाब से साउंड बार आपका ऑडियो को इक्वलाइज कर देगा। तो चलिए मैं आपको इन्हीं ऑडियो प्रोफाइल के कुछ ऑडियो टेस्ट सुना देता हूँ। साउंड टेस्ट के बाद तो चलिए अब हम लोग इसकी साउंड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये साउंड बार आपको 2.2 चैनल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर इसकी बेस की बात करो गाइस तो ये बेस काफी अच्छा प्रोड्यूस करता है साउंड बार। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फॉर्म फैक्टर के अंदर ये साउंड बार इतना अच्छा बेस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो भी साउंड बार आपको अच्छी देखने को मिलती है, जिसके अंदर बेस अच्छी देखने को मिलती है, उसके अंदर कंपनी एक एक्सटर्नल सबवूफर आपको देती है, बट कंपनी ने इसके अंदर 2 इंटरनल सबवूफर पहले से ऐड कर रखा है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा और रिच बेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस साउंड बार के अंदर वोकल्स भी आपको अच्छी सुनाई देती है, इंस्ट्रूमेंट सप्रेशन भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ साथ लोज एंड मिड्स भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। हाइज में मुझे एक प्रॉब्लम देखने को लगी कि मैंने कुछ सॉन्ग सुनी थी तो उसमें कभी कभी ये साउंड को ओवर शार्प कर देता था हाइज को। इसके अलावा मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इसके अंदर आपको कुछ साउंड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है पहले से कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर आपको मूवी मोड में ऑडियो को पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है, डायनेमिक ऑडियो कर देता है, जिसके अंदर बेस आपको थोड़ा कम कर देता है, जिसमें आपको ये वोकल्स को बैकग्राउंड से काफी अच्छे तरीके से सेपरेट कर देता है, जिसकी वजह से आप कोई भी डायलॉग को इजीली सुन सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको न्यूज मोड देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ऑडियो प्रोफाइल को ये साउंड बार पूरी तरीके से फ्लैट कर देता है, जिसके अंदर आपको बेस बहुत ही कम देखने को मिल जाती है, वोकल्स को शार्प कर देता है और इसके अंदर ट्रेबल्स को ये बूस्ट कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको म्यूजिक मोड देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर साउंड बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है ये, जिसके अंदर आपको बेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट कर देता है, इसके अंदर आपको वोकल्स भी अच्छी सुनाई देगी, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही अच्छी सुनाई देती है। ये साउंड इजिली किसी भी रूम को फिल कर सकता है, क्योंकि जब मैंने 80% वॉल्यूम पे इसे सुना था तो मेरे ये 11/14 के रूम को इजिली फिल कर दिया था, 100% में इजिली पूरे रूम को फिल कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे सुनते हो तो आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलेगी ऑडियो में, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज देखने को लगी है। तो ओवरऑल बताऊं तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी देखने को लगी है। अगर कोई भी बेस लवर है तो उनके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अगर आप 4000 के अंडर कोई भी साउंड बार को ढूंढ रहे हो तो मैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ये आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि और भी अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे रखा है, आप वहां से जाकर के इजीली इसे बाय कर सकते हो। आज की वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगेगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी यहां दिख रही होगी, वहां से जाकर के आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स सबसे पहले डालते रहता हूं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यों रहेगी तो इजीली आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट। कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है, दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है, लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ बोलता हूँ तो पब्लिक क्यों मुझ पे हंसती है, सोचता हूँ दिन रात तो बात मेरे दिल पे आके लगती है, जाना है जहाँ जाऊँ मैं वहाँ मेरी गलती है, मैंने क्या